हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब भी आपके फ़ोन की कैमरा सेंसर इस सब जगह डस्ट फील होने लगे, ठीक है, डस्ट अगर फील हो रहा है तो डस्ट को साफ़ करने के लिए मैं एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ। आप घर पे खुद भी कर सकते हैं, रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा, ठीक है, दोनों में कहीं भी आपको दिखता है अगर धूल कण तो आप उसको खुद से क्लीन कर सकते हो। उसके लिए आप एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा कॉटन चाहिए, एक ट्वीजर और एक मैच स्टिक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ़ोन को जैसे भी आपका फ़ोन खुलता हो आप पता करके उसको खोल दीजिए, ठीक। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं पूरा दिखा रहा हूँ कैसे खोल रहे हैं, इसलिए अगर मैं चाहता इसको दस खोल के दिखा तो वीडियो छोटा हो जाता, लेकिन थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता था। तो अब आपको क्या करना है, एक एक करके सभी स्क्रू देखिए, यहाँ पे फिंगरप्रिंट का केबल होता है उसको रिमूव करने के लिए आपको यहाँ एक स्क्रू हटाना होगा। उसके बाद आप इसको ऐसे नाखून से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सारे स्क्रूज को रिमूव करके, ठीक है, सारे स्क्रूज को रिमूव करके आपको पीसीबी को बाहर निकालना है। अब देखिए, ये सब भी को आपको इजेक्ट करने से पहले आप फोन को स्विच ऑफ जरूर कर दें, ठीक है। बैटरी वाला भी निकल गया, उसके बाद आप पीसीबी को ऐसे उठा लीजिए, ठीक है, ऐसे निकल गया। और यहाँ पे जो एक नेटवर्क केबल, नेटवर्क के लिए जो केबल है इसको भी आप ट्वीजर के माध्यम से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए, पीसीबी अलग हो गया। अब आपको लगता है कि आपका कैमरा भी गंदा है, ठीक है, कैमरा भी अगर गंदा है तो उसको भी मैं साफ़ करना बताऊंगा। और पहले देखिए, ये आपको दिख पा रहे हैं कितना गंदा, आर पर भी नहीं दिख पा रहा है। तो आपको एक मैच बॉक्स में थोड़ा सा कॉटन लेना है, ठीक है, इसी के हेल्प से आप इसको क्लीन करेंगे। देख पा रहे हैं ये क्लीन हो गया, ये अभी भी ये बहुत गंदा है, ठीक है। जितना हो सके उतने बेहतर तरीके से आप क्लीन कर दें। यहाँ पे सेंसर वाला भी क्लीन कर दें आप, सेंसर के पास ठीक है। जब क्लीन हो जाइए उसके बाद आपको बस इतना ही करना है, इतना ही के लिए आप बाहर टेक्नीशियन के पास आपको फ़ोन ले जाना पड़ता होगा। और ले जाने ले आने से मतलब नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा समय और पैसा भी पे करना पड़ता है, इसीलिए आप ये छोटा छोटा काम खुद से भी कर सकते हैं। और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि छोटे छोटे काम जो हैं आप घर पर खुद से करें। कॉटन से ध्यान रहे, कैमरा कभी भी किसी भी लिक्विड से साफ़ नहीं करें, जैसे कि थिनर हो गया, CTC हो गया और सैनिटाइजर हो गया, ये सबसे कोई भी कैमरा का स्क्रीन अगर आप क्लीन करना चाहेंगे तो कैमरा का स्क्रीन जो कोई भी कैमरा हो ख़राब हो ही जाएगा। इसलिए हम लोग जब रिपेयर करने के वक्त पीसीबी को वॉश करते हैं तो कैमरा हटा के वॉश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये भी क्लीन हो गया और ये भी। अब क्या करना है, फिर आपने जैसे इसको निकाला है उसी तरह अच्छे से असेंबल कर देना है, ठीक है। तो बस यहाँ से क्लीन करके आप अपना जो आवाज़ कम हो चुका है फ़ोन का उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। बैक कैमरे के भी ग्लास को आप उसी तरह क्लीन कर, ध्यान देना आपको इससे स्क्रेच ना हो, कॉटन का ही सही से उपयोग हो पाए, ठीक है। ठीक है, सभी सभी जो भी केबल्स हैं अच्छे से कनेक्ट करने के बाद फिर से आप इसको अच्छे तरीके से असेंबल कर लें, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं कि कैमरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के ज़रूरी वीडियोज़ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। साथ ही मैं इंस्टा का आईडी आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप किसी तरह की भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो, अगर कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए तो आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।